जिले में पनपेन निजी चिकित्सालय में मरीजों को एक तरफ से लूटा जा रहा है। जी हाँ, इस लूट की शिकायत करने पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग कार्रवाई के नाम पर मौन हो जाता है। शायद उसे फिर से एक बार सत्यम हॉस्पिटल जैसी घटना का इंतजार हो। निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के नाम पर लूट के तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं। इसी तरह बछरावा क्षेत्र में धुलेंडी गांव निवासी शीला तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आईटीआई गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित एपेक्स ट्रॉमा सेंटर कोतवाली नगर रायबरेली में उसके पिता जय शंकर पांडे को भर्ती किया गया था। 10 दिन के इलाज के नाम पर 3.5 लाख का बिल बना दिया गया। उसके पिता का इलाज भी ठीक से नहीं हुआ। शीला का कहना था कि उसके पिता के पेट में दर्द था और इसके बाद जब उसने अस्पताल के पूरे रुपए जमा किए तभी वो अपने पिता को डिस्चार्ज करा पाई। अब उनका इलाज रायबरेली एम्स में चल रहा है और अब उनकी स्थिति बेहतर है। इस अस्पताल के बिल लेकर शीला स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन के चक्कर काट रही है। शीला का कहना है कि अस्पताल ने उसके पिता के इलाज के नाम पर पैर खराब कर दिए जिसका अब एम्स रायबरेली में इलाज चल रहा है। पीड़िता ने जिला प्रशासन की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री से अस्पताल की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर वही मामला लेके आया हूँ। अपेक्स हॉस्पिटल में 10 दिन के इलाज के नाम पे डॉक्टर ने 3.5 लाख का बिल बना दिया। आज हमारे साथ फिर से वही जो है लोग हैं जो लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि जो है अपेक्स हॉस्पिटल ने उनके साथ गलत किया है। आज इनका कहना है कि इनके जो पिताजी हैं और इनके जो दादाजी हैं उनका जो है पैर इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि अपेक्स हॉस्पिटल ने उनका जो ट्रीटमेंट किया उससे इनके पैर में इन्फेक्शन आ गया या पैर में दिक्कत आ गई, उसकी वजह से उनके पैर इलाज हो रहा, जो बीमारी थी वो तो दूर हो गई। मतलब 2-3 दिन में एम्स में बीमारी दूर हो गई, लेकिन 10 दिन में जो 3.5 लाख का खर्च किया गया तो उसकी जगह पे पैर की एक नई बीमारी आ गई। पूछते हैं क्या मामला, के बाद क्या हुआ, अभी तक आप जो है थाना पुलिस जाने कह रहे गए कि नहीं? हमको गए थे, मैम ने हमें भेजा था, एक ऑफिसर का नंबर भी दिया था, पर कोई सुनवाई नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब हम एसडीएम ऑफिस जाएंगे, एसपी ऑफिस जाएंगे, तो भी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, कोई सुन ही नहीं रहा। वहाँ पे 2 घंटे उन्होंने बैठा के रखा, वो अपना चाय वाय पीते रहे और अपनी जो भी आपस में बात की थी वो करते रहे, हम पे ध्यान नहीं दिया। हम 2 घंटे टाइम निकाल के गए बैठे और वो जबकि जिनके नाम पे कंप्लेंट करने गए थे वो भी आए, पर कोई बात ही नहीं। कोई इस वक्त आपके जो पेशेंट एडमिट हैं उनका क्या हाल है? उनका जो बीमारी थी वो एक्चुअल में सही हो चुकी है, उनका सिर्फ पैर है जो इन्फेक्शन था वो सही हो चुका है। जो लोगों ने पैर में वो वीगो लगाया है ना, उसके पैर में वीगो क्यों लगाते हैं, मैं मेडिकल फील्ड से तो हूँ नहीं, तो जैसे भी लगाया उनके वजह से जिस पैर में वीगो लगा था वो पैर काम भी नहीं कर रहा, उनकी नस रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है। कल हमने MRI कराया था तो उसमें रिपोर्ट आई है रीढ़ की हड्डी के बीच में नस दबी पड़ी, तो चल नहीं पा। ये बताया जा रहा है कि जो है जो वीगो लगाया था डॉक्टर ने उसकी वजह से अब उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि अब रीढ़ की हड्डी में चला गया। भाई मैम, जो अपेक्स के डॉक्टर उनका कहना है या वहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि जो है माँ आपने 50,000 रुपये की बाकी जो है आपका पैसा उठा रहा बाकी है, आप जो उसकी मैं इंफॉर्मेशन लिया नहीं। हम तो 3-4 दिन से बोल रहे थे भी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बोल रहे थे 1-2 दिन की पैसे बढ़ करके उन्होंने रोका था और ICU में भी दूरी ने रखा था, हमने जब उसके नहीं बोला था कि हम लोगों ने रखो, हमने दे दिया था हमारे पैसे। और आखिर में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इलाज क्या किया है जो कि इतना पैसा लगाने के बाद भी ना कोई बीमारी निकली है और कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आया। ये तो बताते हैं कि क्या बीमारी है क्या किया, उनका यह कहना है कि जो है 3.5 लाख तक खर्च करने पर आखिरकार बीमारी क्या थी उनके पिताजी को ये भी नहीं पता है, उसके बाद एम्स में इलाज करना पड़ा। आन एन बाद संदीप मिश्रा को। मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शीला तिवारी है और मैं फुलेंडी गांव से हूँ। क्या हुआ 2 दिन में अभी आपके पिताजी के इलाज में? चौकी में भी एप्लीकेशन देके आया, चौकी में से तो कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर वगैरह पैसे वाले हैं तो उन्होंने पैसे वैसे दे के मामला ख़त्म कर दिया होगा, हमारी कोई आगे सुनवाई हुई नहीं। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग ये चाहते हैं, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ 40,000 रुपये दिए हैं तो आप खुद देख लीजिए, 40,000 अगर हमने दिए हैं तो फिर बाकी दवाई का और ये टेस्ट वगैरह क्या उन्होंने फ्री में किए हैं? चाहती क्या है? हम ये चाहते हैं कि या तो हमारे पैसे वापस दे दें। और अपना पर्ची दीजिए, पर्ची अपना दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ है।
सर इलाहाबाद गाँव से हूँ और अभी लास्ट टाइम मैंने आपके चैनल पे कंप्लेंट भी करी थी और उसके बाद मैं रायबरेली कोतवाली गया था। वहाँ मैम ने मेरी कंप्लेंट देखी और मैम ने मुझे गोरा बाजार चौकी का ऑफिसर का नंबर प्रोवाइड करा गया। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो वहाँ पर वो ऑफिसर ने हॉस्पिटल के ऑनर उसके डॉक्टर को पहले से बुला के रखा था तो हम अंदर भी नहीं गए। उनसे पहले वो ऑफिसर कहते हैं कि इन्हें पहचानते तो हमने कहा यही है जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी है। तो कुछ ऐसी थोड़ी बातें हुई, फिर हमने कहा आप अंदर आके बात कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि ऑफिसर से कहते हैं हॉस्पिटल आ जाओ, हॉस्पिटल में आके बात करते हैं चाय पीते हैं। इतने में वो चले गए। फिर हमने ऑफिसर से बोला कि आप उन्हें बुलाइए, 2 घंटे तक वेट करा पर कोई आया नहीं उनकी तरफ से और कोई सुनवाई ऐसी हुई नहीं हमारी। तो हम फिर वापस आ गए वहाँ से। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 घंटे तक बैठे रहे, वो बोलते रहे कोई आ रहा है, तो उनके मैनेजर आ रहा है, उनके असिस्टेंट आ रहा है, कोई आ रहा है, पर कोई आया नहीं। 2 घंटे तक हम हॉस्पिटल से टाइम निकाल के गए थे, दादाजी की तबीयत क्रिटिकल थी, फिर भी हम अपना यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गए थे। 2 घंटा वेट करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल के लोगों का कहना है कि आपने 50 या 60 हज़ार रुपये खाली दिए, बाकी नहीं दिया। सर मैं आपको फ़ोन पर ही 50-60 से ज़्यादा तो मैं आपको फ़ोन पर भी हिस्से दिखा सकता हूँ। कितना दिया फ़ोन पे? फ़ोन पे 1 से 1.5 लाख रुपए लगभग दिए हैं और बाकी कैश दिया, उसके बिल भी रखे हुए हैं। अच्छा, आपके पास जो बिल है कितने का है लगभग, जोड़ा कभी उसको बैठ के? जोड़ा तो 3,20 का है, 3,20,000 का। 3,20,000 और लगभग बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में कभी आपसे मिस्टेक हो सकती है, कभी मुझसे मिस्टेक हो सकती है, पर लगभग 3,20 का हमारे अकॉर्डिंग है। पर तो ये बोल रहे हैं कितना, 60,000 ऐसा। तो अच्छा, अब आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि बस हमारे पेशेंट के साथ जो बुरा हुआ है, उन्होंने ट्रीटमेंट करा है, उसकी वजह से उनके पैर अभी भी ख़राब है। जो उनकी बीमारी थी एक्चुअल में अब वो है नहीं, अब वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो सिर्फ उनके वहाँ पे पैर में प्रॉब्लम है, जो कि इन्होंने पैर में नोज लगा के जो भी वो उनका ट्रीटमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी ख़राब हुआ है और पैसे भी लूटे हुए हैं, तो फ्रॉड ही हुआ है एक तरह। मतलब पैर खराब, चल ही नहीं पा रहा है, जबकि पैर का कोई सीन ही नहीं था। क्या था उनको, पेट में दर्द बताया? पेट में दर्द था, वो इन्फेक्शन बताया था बस। अब वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पैर का इलाज हो रहा है? अब पैर का हो रहा है, 10 दिन से।